नमस्कार, मैं आपका दोस्त निर्मल नायक आज आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐतिहासिक किस्सा लेकर जिसका नाम है गंडवाना युद्ध कला। 130 ईसा पूर्व भारत में गोंड शासकों का शासन रहा है। गंडवाना साम्राज्य भारत में गंडवाना क्षेत्र में सत्तारूढ़ था। गंडवाना क्षेत्र में महाराष्ट्र, विदर्भ, विदर्भ के पूर्व भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न ओडिशा के कुछ क्षेत्र थे। क्या आपको पता है, खेत में हल चलाने वाला और जंगल में रहने वाला ये गंडवाना गोंद आदिवासी लोग गंडवाना राज्य की लड़ाकू सेना का हिस्सा हुआ करते थे। उनकी युद्ध कला थी गंडवाना युद्ध कला, जो कि अब गंडवाना पारंपरिक खंडा नृत्य के नाम पर जानी जाती है। आपको बता दें कि ये गंडवाना युद्ध कला प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती है। 130 ईसा पूर्व भारत में गंड राजाओं का शासन रहा है। एक समय में गंड जनजाति के 52 किले थे और भारत भूमि का नाम इन्हीं के नाम पे गंडवाना पुकारा जा रहा था, गंडवाना लैंड, और इन्हीं को भारत का असली बासिंदा कहा जाता था। ये गंडवाना युद्ध कला विकसित हुई 14वीं सदी से 18वीं सदी तक। गंडवाना राजतंत्र के समय पर मध्य भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्र में आगे 1625 में रायगढ़ के राजा ठाकुर दर आयो सिंह के द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में राज्य स्थापना के बाद ये युद्ध कला झारसुगड़ा संबलपुर होके केंदुझर आ पहुंचा। ओके, प्लीज सी द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट दिस वार एक्ट इज डन एंड परफॉर्म्ड बाय द आदिवासी गंडवाना सोसाइटी। Okay, generally they were paying their reverence to these all swords and offer their devotion before Lord Shiva.
इसी गंडवाना युद्ध की विकास का पता उसी बात से पता चलता है जब गंडवाना रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर सेना को 3 बार पराजित किया। इसी से पता चलता है गंडवाना युद्ध कला कितनी परिपूर्ण थी। Okay, as you know, in 1564 BC, the memorable war between Rani Durgavati and the King Akbar indicates that a few number of Gundi soldiers of Gondwana society were found capable of defeating 3 times the Mughals. गंडवाना सेना के मुख्य को सेनापति कहा जाता था। उसके नीचे बहुत सारे अनेक नायक होते थे जो किले की रक्षा करते थे। उनको गढ़नायक कहा जाता था। गंडवाना योद्धा अपने हथियार को बहुत पवित्र मानते थे और देवी देवता की तरह पूजा करते थे। जब वो युद्ध करने के लिए जाते थे तब बड़ा देव जिनको भगवान शिव कहा जाता है उनकी पूजा करके जाते थे। इन गंडवाना वॉर एट सेंटर द टेक्निक्स ऑफ डिफेंस फिजिकल एक्सरसाइजेज विथ मेडिटेशंस फंक्शनिंग ऑफ लोकल वेपन्स एटसेट्रा वर टॉट। और इसी वजह से गंडवाना सेना युद्ध करने में सक्षम होती थी। बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल होते थे जैसे कि खंडा बलछा ढाल धनुष खंजर और इसी तरह के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल होते थे। जहाँ भारत में काफ़ी सारे मुगलों का शासन जोरों पे था वहाँ 14वीं सदी से 18वीं सदी के बीच में गंडवाना युद्ध कला की वजह से गंडवाना साम्राज्य मुस्लिम और मुगलों से सुरक्षित था। In 18 BC, the Marathas conquered Gondwana. The Gundi society people went with fear to jungles and took shelter in dense forests and became the aggressors and assaulters. से 1853 के बीच गंडवाना क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अंग्रेज के पास चला गया। हालांकि कुछ छोटे राज्य में गंड राजाओं ने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता तक शासन जारी रखा। Thank you.
गंडवाना युद्ध कला का पतन जब हुआ, वो अखाड़े जिनमें युद्ध कला सिखाई जाती थी, राजाओं के शासन के बाद ब्रिटिश शासन ने जगह जगह पे छापा मारा और सारे प्रशिक्षण केंद्र बंद करवा दिए। समय के साथ साथ गंडवाना युद्ध कला भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन आज भी वार्षिक समारोह महोत्सव प्रदर्शन के लिए गंडवाना युद्ध कला गंडवाना पीढ़ी द्वारा सिखाई जाती है। मार्शल आर्ट ऑफ गॉन्ड्स ऑफ केंदुझर डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ हिस्टोरिसिटी एंड वो वेरी वेरी एंशियंट आर्ट वर आर्ट एंड इट रिलेटेड नॉट ओनली विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद द रानी दुर्गावती एंड एम्परर अशोक इट इज बियॉन्ड दैट इट इज अ प्री हिस्टोरिक डेवलपमेंट इन देयर कल्चरल लाइफ एंड द ट्राइबल कल्चरल लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट ड्रॉ ए लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन देयर लाइफ एंड आर्ट इट्स ए नेचुरल एवोल्व एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द डे टू डे लाइफ देयर इकोनॉमिक लाइफ एक्सेट्रा एंड आज देयर दे वर वॉरियर ट्राइब्स ऑफ इंडिया एज हिस्ट्री सेज इफ द मार्शल स्वॉर्ड वॉर आर्ट ऑफ गॉन्ड्स शुड बी प्रिजर्व्ड शुड बी प्रोटेक्टेड एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स कॉर्पोरेट सेक्टर्स दे विल ऑल्सो एक्सटेंड देयर एनकरेजमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट एज देर आर मोर देन 4.5 lakhs Gond people in the district of Kendujhar state of Odisha, which is at least 1/4 of the total population of the district, and the very, very rich heritage of the Gonds, the ancient tribal warriors, their cultural heritage, and their martial art of sword. War and dance should be preserved. It is badly required in this field. भले ही समय बदल चुका हो, पर आज भी आम लोग इस कला के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये कला अपने शिखर पर होगी। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त निर्मल नायक। Oh.